हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के चीले की सब्ज़ी। और इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, इसको मैंने अच्छे से फेटा है। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है, ये मेरी माँ के हाथ की रेसिपी है। अगर घर में कुछ भी ना तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मिर्च, टमाटर, अनियन, लहसुन, इसको मैंने एक एक लिया है, और प्याज को मैंने 2 से 4 भाग में काट के रख दिया है। फिर मैंने ऐसे ही टमाटर किया, एक टमाटर के 4 पीस, क्योंकि मुझे इसे पीसना है, इसी वजह से मैं इसे ज़्यादा छोटा छोटा नहीं कर रही हूँ। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, इस मिक्सी के जार में मैंने अनियन, टमाटो, एक हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ, और फिर इसको मैंने ढक्कन लगा के इसको पीस लिया है मिक्सी में। ज़्यादा महीन भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। पीसने के बाद देखिए, ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। मैंने गैस ऑन कर लिया है। गैस ऑन करने के बाद तवा रखा है, क्योंकि अब हमें अपना बेसन का जो चीला बनाना है वो पहले चीला बनाना है, फिर बाद में उसकी सब्ज़ी बनानी है। बेसन को मैंने फिर दोबारा फेंट लिया, इसमें गांठ ना निकले। अच्छे से बेसन को फेंट के रख दिया है। तवा गरम हो रहा है मेरा, ये देखिए ये मसाले हैं। इस मसाले में मैंने ये नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर और कस्तूरी मेथी है। थोड़ा सा नमक मैंने लिया है स्वादानुसार, और अपने जो बेसन का जो बटर तैयार किया है उसमें डाल दिया। फिर 3-4 स्पून ऑयल मैंने कटोरी में निकाल के रखा था पहले से। अब हम चिले की तैयारी कर रहे हैं। चिले की तैयारी करने के लिए पलटा लिया है, उसका एक नाप बना लिया, इस नाप को बनाने के लिए फिर आपने इसे अच्छे से फेंट लिया, मिक्स कर लिया, क्योंकि नमक डाला था। तवा चेक कर लिया कि हीट हो गया, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि बेसन हमारा नीचे चिपके नहीं। फिर ऑयल पूरे तवे पे फैला लिया अच्छे से, ये देखिए। और फिर मैंने एक नाप अपना ले रखा था, इस बेसन के नाप को मैंने इसमें डाल दिया, देखिए। और इसे अच्छे से फैला लीजिएगा पतला पतला, बैटर ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। ये देखिए, ये सिम जो थी गैस, उसको मैंने फुल पे कर दिया। फिर ये चारों तरफ से हल्का सा सिकना शुरू हो रहा है। अगर आपको लगे कि ये हमारा जो चीला है वो चिपक रहा, तो आप उसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, और कलछुल की सहायता से इसको नीचे ऊपर देख लें कि ये चिपक रहा है कि नहीं। और हमारा नहीं चिपका, तो मैंने इसे एक फोल्ड दिया, दूसरा फोल्ड दिया, और फोल्ड करने के बाद तीसरा फोल्ड कर लिया। ये देखिए, प्लेट में मैं अपना पहला चीला निकाल के रख लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड,
एक चीला हमारा बन के तैयार हो गया। ऐसे ही हम अपना दूसरा चीला भी बनाएंगे और ये दूसरा डाल दिया। ऐसे ही हमारे दो से तीन चीले बनके तैयार हो जाएंगे। इसको भी अगर आपको लग रहा है ये चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। ये देखिए वैसे मैंने इसमें यूज़ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ऑयल उसमें हल्का सा सेट था, तवा चिकना था, तो फिर हमारा बन के तैयार हो गया। ये देखिए ये हमारा दो पहली बन गए और ये तीसरा मैंने थोड़ा सा लगाया और थोड़ा सा आपको ज़रूरत लगे तभी डालिएगा। ये हमारा तीसरा चीला। ये रेसिपी मेरी माँ की आपकी रेसिपी बनी हुई है। ये रेसिपी मैंने अपनी मम्मा से ही सीखी है। जब घर में कोई भी सब्जी नहीं होती है तो मेरी मम्मी यही रेसिपी बनाती है। हम बेसन से बहुत सारी रेसिपी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। और ये देखिए कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई रखने के बाद मेरे दो जो तीन चीले जो तैयार हुए उसको मैंने एक ट्रे में रखा है, कटिंग चॉपिंग ट्रे है, एक के ऊपर एक रख देंगे। फिर हमने नाइफ की सहायता से इसको एक कट, दो कट और तीन कट दे देते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग साइज रखिएगा। मैंने ज़्यादा बड़े भी नहीं किए और ज़्यादा छोटे भी नहीं किए साइज, तो ये मीडियम साइज़ है। आप अपने अकॉर्डिंग साइज रखिएगा। ये देखिए फ्रेंड ये पीसेस बनके तैयार हो गए और कढ़ाई भी गर्म हो गई है। इसमें मैंने एक स्पून, दो स्पून ऑयल यूज़ किया है। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग ऑयल डाल सकते हैं, मैंने इसमें कम ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो थोड़े से मैंने इसमें हल्के से 4-5 जो दाने होते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, मेथी दाने। ये देखिए मैंने इसमें ऑयल की कटोरी में ऑयल हटा के जो प्याज लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको कटोरी में निकाल लिया बाउल में। गैस को सिम पे कर दिया और इसमें भी लगा हुआ है तो पूरा अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद दोस्तों जो मैंने बताया था कि आप मेथी दाने भी डाल सकते हैं, तो मैंने बहुत थोड़े से मेथी दाने मैंने निकाल के रखे थे। ये देखिए ये हल्के से डालने और ये थोड़ा सा रेड हो जाए तभी आप अपना मसाला डालिएगा। और ये जो पेस्ट बनाया है इस पेस्ट को मैंने डाल दिया। बहुत ही कम सामग्री के साथ मैंने ये इसको बनाया है। ये देखिए ऑयल भी हो गया था, अब ये हल्का सा रेडिश हो जाए जो पेस्ट बनाया था। प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च का इसको पीस के इसमें डाल दिया, वो हल्का सा रेडिश हो रहा है। रेडिश होने के बाद दोस्तों इसको आप चलाते रहिएगा ताकि आपका मसाला जले नहीं। ये देखिए सबसे पहले हल्दी डाली, सब एक एक चम्मच है, एक एक स्पून, और थोड़ा सा मिर्च पाउडर किचन की, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि
और ये है गरम मसाला, सॉरी धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक, नमक थोड़ा कम डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमने चिले में भी नमक डाला हुआ है। ये गरम मसाला कसूरी मेथी, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं पर मैंने इसी के साथ डाल दिया। ये हमारा मसाला जिसे हम मिक्स कर लेते हैं, मिक्स हो रहा है। ये देखिए क्या गैस पे मैंने थोड़ा सा सिम पे किया है। अब थोड़ा सा ऑयल इस जार में, सॉरी पानी इस जार में डालिएगा क्योंकि जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है वो इसमें निकाल दीजिएगा। पानी से ये थोड़ा सा स्मूथ भी हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला और अच्छे से भुन जाएगा और स्मूथ भी हो जाएगा। ये देखिए ना थोड़ा सा डाला मैंने पानी फिलहाल, तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब मसाला आपका अच्छे से पक जाए, पकने का मतलब है कि ऑयल छोड़ दे और धीमी धीमी आँच पे बनाएंगे, सिम पे कर देंगे तो और अच्छे से भुनेगा। थोड़ा थोड़ा सा स्पीड बीच में चलाते रहिए ताकि मसाला आपके लगे ना। थोड़ा सा पानी मैंने कलछी पर डाला है, उसमें मसाला लगा हुआ था। मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो 4 चम्मच ले सकते हैं ऑयल तो और अच्छे से, लेकिन कम ऑयल का यूज़ करा है मैंने। ज़्यादा मसाला नहीं है, कम से कम मसाले में यूज़ किया है। हमारी बेसन की क्वांटिटी भी कम है तो इसी वजह से भी। दूसरा, गर्मी के टाइम में थोड़ा कम मसालों का यूज़ हो तो ज़्यादा बेटर है। ऑयल मसाला तो इसी वजह से। ये देखिए फ्रेंड, साइड साइड में हल्का सा ऑयल निकल रहा है, छूट रहा है। और ये देखिए मैंने कम ऑयल का यूज़ किया तो इस वजह से ये कम दिख रहा है, पर ये प्रॉपर तरीके से अच्छे से भून गया मसाला हमारा। थोड़ा सा पानी का यूज़ किया, धीरे धीरे पानी डालना है, अगर आपको लग रहा है तभी डालिएगा, अदरवाइज पानी ज़्यादा नहीं डालना है और एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए फ्रेंड, अब पता चल रहा है कि मसाला हमारा और अच्छे से भुन गया है, ऑयल छोड़ रहा है साइड साइड से। बहुत ही कम समय में ये रेसिपी आपकी बनके तैयार हो जाती है। कभी कभी सब्जी नहीं होती है तो आप इस रेसिपी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे इस आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं भी उसको फॉलो करूं। ये देखिए फ्रेंड, ये मसाला अब भुन गया है। और अब इसको अच्छे से भुनने के बाद ठीक से चला देना है, फिर आपके जो चीले हैं बने हुए इसको इसमें धीरे धीरे करके डाल देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। ये बहुत सारे ग्रेवी में बनती है पर मैंने इसमें कम ग्रेवी का यूज़ किया है।
ये देखिए फ्रेंड, और ये हमारी लगभग लगभग बनके तैयार हो गई है। देखिए मैंने अपना वही फ्रेश बॉल लिया है, उस बॉल में ये सर्विंग की प्रिपरेशन तैयार कर रही हूँ। अब इस रेसिपी में को मैं ये जो चीले जो तैयार किए हैं गैस को बंद कर दिया है, और अपने चीले की सब्जी को आपने बॉल में निकाल लिया। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं अक्सर कर यही बनाती हूँ। तो ये डन हो गई, सिट डन। थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा चीज इसमें गार्निश के लिए डाला है, सिट डन। ये देखिए, अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।